आज बार की चैंपियन टीम मुंबई इंडियंस ने आईपीएल के मौजूदा सीजन में अपनी 5वीं जीत दर्ज की। मुंबई ने मोहाली में खेले गए मुकाबले में पंजाब किंग्स को 6 विकेट से हराया। पंजाब ने 20 ओवर में 3 विकेट पर 214 रन बनाए, जिसके बाद मुंबई ने 18.5 ओवर में 4 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया। मोहाली के IAS बिंद्रा स्टेडियम में खेले गए इस मैच में मुंबई के कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीता और पंजाब को पहले बल्लेबाजी का न्योता दिया। पंजाब ने लियाम लिविंगस्टोन 42 गेंदों पर 82 रन और जितेश शर्मा 27 गेंदों में 49 रन की शानदार पारी की मदद से 3 विकेट पर 214 रन बनाए। MI की ओर से पीयूष चावला को 2 और अरशद खान को 1 सफलता मिली। इसके बाद मुंबई ने विकेट कीपर बल्लेबाज ईशान किशन 41 गेंदों में 75 रन, वहीं सूर्य कुमार यादव 31 गेंदों में 66 रन की अर्धशतकीय पारी और अंतिम ओवर में तिलक वर्मा 10 गेंदों में 26 रन, वहीं टीम डेविड 10 गेंदों में 19 रन के बेहतरीन बल्लेबाजी की बदौलत 18.5 ओवर में लक्ष्य हासिल कर लिया। पंजाब की ओर से नाथन एलिस ने 2 विकेट झटके, वहीं अर्शदीप सिंह और ऋषि धवन को 1-1 सफलता मिली। मुंबई ने इस जीत के साथ प्लेऑफ की उम्मीदों को बरकरार रखा है। मुंबई ने 9 मैचों में अपनी 5वीं जीत दर्ज की, जिससे उसके 10 अंक हो गए हैं। पंजाब को 10 मैचों में 5वीं हार झेलनी पड़ी है। अब मुंबई टीम छठे जबकि पंजाब 7वें नंबर पर है। तो दोस्तों, मुंबई और पंजाब दोनों में से कौन सी टीम प्लेऑफ में जगह बनाने में कामयाब रहेगी, कमेंट कर अपनी कीमती राय जरूर बताएं। और ऐसे ही शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।